सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज शुभम, अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड जेएनएम हॉस्पिटल। तो ये वीडियो रिगार्डिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट एस्पिरेंट्स मिस। नाउ व्हाट इज दिस थिंग, राइट? देखो, पढ़ते सभी हैं, ठीक है। लेट्स जस्ट से कि आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा फोकस्ड है नीट को लेकर, एंड दे आर डूइंग रियली ग्रेट, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं एवरीथिंग, बट उनमें से सिर्फ दो के ही हैं जिनके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, एंड रेस्ट 3 ऑफ देम आर कॉन्स्टेंटली स्टक। नाउ व्हाई डज दिस हैपन? देखो, क्या होता है ना कि नीट एक ऐसा तरीके का एग्जाम है दैट इज लाइक मेकिंग यू इम्प्रूव योर सेल्फ। नाउ हाउ डज दिस हैपन? देखो, एक चीज होता है कि तुम मिस्टेक ऑब्वियसली कर सकते हो, ठीक है, मिस्टेक करना कोई बुरी बात नहीं है, बट सबसे बुरी बात इसमें यह है कि अगर तुम पुरानी मिस्टेक्स को फिर से रिपीट करो, देन तो तुम्हारा कोई ग्रोथ हो ही नहीं रहा। ग्रोथ तभी होता है ना जब तुम लोग पुराने मिस्टेक्स को छोड़ के नए मिस्टेक्स कमिट करते हैं, पुराने मिस्टेक्स अब तुमसे नहीं हो रहे। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे तुमसे जो अगर जो फिजिक्स न्यूमेरिकल नहीं होता था, अब वो हो रहा है, एंड उस वजह से तुम्हें जहां पे -5 होता था उसकी जगह तुम्हारे पास +5 आ रहा है। आई एम सेइंग +5 बिकॉज सबको पता है कि -1 होता है, -1 से लाइक और 4 हट जाता है तो -5 ही जाएगा, राइट? दूसरी की जगह +5 आ रहा है। तो सपोज यू वर स्कोरिंग समथिंग लो, अब वहां से तुमने मिस्टेक्स को अपनी गलतियों को सुधारते सुधारते नाउ यू आर स्कोरिंग अ बिट बेटर, राइट? तो दिस इज व्हाट हैपेंड कि यहाँ पे जो दो बंदे थे वो क्या कर रहे थे, अपने मिस्टेक्स को कॉन्स्टेंटली एनालाइज कर रहे थे, बट बाकी जो तीन थे वो सिर्फ पढ़े जा रहे कॉन्सेप्ट समझ रहे, पढ़े जा रहे हैं, क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, बट पढ़े जा रहे हैं। और जब टेस्ट सीरीज देखे आते हैं, दे जस्ट लुक एट द स्कोर कि अच्छा, मेरे को यहाँ पे 460 मिला है, 560 मिला है, ठीक है, तो मैं और कोशिश करता हूँ ये करने का। वो एनालाइज ही नहीं करते हैं कि जिस पेपर में उसे 460 मिला है या फिर 560 मिला है, जितना भी मिला हो, कि उसमें क्या गलती हुई कि वो 600 को क्रॉस नहीं कर पाया, ये क्या मिस्टेक हो रहा है उससे बार बार कि वो 600 क्रॉस नहीं कर पाया। सो ये तीन स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम है। अगर मैं रेस्ट 5 स्टूडेंट्स की कहूँ कि जो 5 बेटर कर रहे थे और जो 5 बेटर नहीं कर रहे थे, उनका ये प्रॉब्लम है कि दे वर कॉन्स्टेंटली फोकसिंग ऑन दिस थ्योरी पार्ट। अब ये बात है कि देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री में उतना थ्योरी अप्लाई नहीं होता है, आई मीन थ्योरी ऑब्वियसली अप्लाई होता है, बट थ्योरी अप्लाई नहीं होता है इन द सेंस थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चंस कम आते हैं। एट फिजिक्स में तुम्हें थ्योरी रिलेटेड कोई कुछ पूछेगा नहीं इतना ज्यादा, एज लाइक असर्शन रीजनिंग एक्सेप्शन बीइंग एन एक्सेप्शन, वहां पे तुम्हें डायरेक्ट न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट लगाना है, थ्योरी का एक पार्ट लगाना है, मेजर फोकस होता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, ओके? तो इस चीज में तुम्हें दिमाग पे ध्यान रखना है। अब हाँ, अगर मैं बायो की बात करूं, बायो इज वेल एंड गुड, जस्ट गो फॉर एनसीईआरटी, उससे बाहर तुम्हें कुछ पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में ईच एंड एवरी पॉइंट लिखा है, तो उससे बाहर जाके तुम अपना टाइम वेस्ट ही करोगे, उस टाइम को तुम यूटिलाइज कर सकते हो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, ओके? तो इस चीज को तुम्हें ध्यान पे रखना है कि मेरे को मिस्टेक्स तो पहले करना नहीं है, ठीक है, ये नंबर 1 पॉइंट है, मिस्टेक्स मुझे करना है ही नहीं, राइट? अब एक और चीज है यहाँ पे कि बायो रिलेटेड एनसीईआरटी में मुझे फोकस करना है। अगर मेरे मार्क्स कम भी आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में, फॉर एग्जांपल आई एम गेटिंग लो बायो में 250, 260, 270, उससे ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, एंड बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बाहर से आ रहे हैं, तो इट्स वेल एंड गुड इनफ, बाहर से आ रहे तो आने तो मेरे को क्या जा रहा है। अगर कुछ क्वेश्चन है जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि हाँ ये नीट में आ सकता, तो मैं उन्हें मिस्टेक कॉपी में नोट डाउन कर लूंगा एज अ फैक्ट, क्योंकि बायो में तो कुछ कॉन्सेप्चुअल या फिर वैसा कुछ समझना है नहीं, यू जस्ट रिमेंबर देम एज अ फैक्ट, ठीक है भाई, अगर सेम क्वेश्चन आ गया तो मैं टिक कर दूंगा या फिर मार्क कर दूंगा, वेल एंड गुड, राइट? तो इसमें ज्यादा दिमाग खराब करना है नहीं। अब अगर एनसीईआरटी रिलेटेड तो मुझसे ये पूछोगे कि भैया क्वेश्चन बैंक कहाँ मिलेगा, तो आई वुड सजेस्ट यू एन ऐप विच इज मेमोनीट। तो मुझे पर्सनली मेमोनीट बहुत ही बेटर लगा, बिकॉज देखो अभी इस मार्केट में करंटली मैंने देखा कि एनसीईआरटी एकदम एनसीईआरटी निचोड़ के कोई क्वेश्चन बैंक बना वो मुझे अब तक मिला नहीं, एंड यहाँ पे मुझे स्पेशली ज्यादा अच्छा लगता है बिकॉज क्रॉस वर्ड्स है, जंबल वर्ड्स है, मैच द फॉलोइंग है, तो जो स्टूडेंट का ब्रेन है वो वहाँ पे एक्टिव रहता है, एक्टिव लर्निंग चलता रहता है, कि वो चीजें धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में बसने लगती है। और इनका जो रिविजन एआई फीचर है दैट्स वेरी गुड, कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई भी चैप्टर पढ़ा जैसे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो उसमें क्या करेगा वो तुम्हें 2 दिन बाद रिवाइज करेगा कि इसे रिमाइंड कराएगा कि इसे रिवाइज करना है, फिर 4 दिन बाद रिमाइंड कराएगा कि इसे फिर से रिवाइज करना है। तो एक तरीके से क्या होता है, धीरे धीरे तुम्हारी कोर मेमोरी में बस जाती है। अब मुझे अगर इस चैप्टर से कोई कुछ क्वेश्चन पूछे तो मैं भूलूंगा नहीं, ओके? सो दे हैव अराउंड 700K प्लस डाउनलोड्स ऑन प्ले स्टोर, एंड यू कैन सी देयर गूगल रिव्यूज जो कि बहुत ही अच्छे हैं। तो मैं तुम्हें एक बार थोड़ा सा ऐप यूज करके दिखाता हूँ कि ये ऐप है कैसा एंड हाउ टू यूज इट, और ऑल्सो यहाँ पे जो इनका प्रोग्रेस ट्रैकर होता है वो बहुत ही अच्छा है, वो तुम्हें तुम्हारा प्रोग्रेस बताता है कि लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में तुम्हारा कितना प्रोग्रेस हुआ है, एंड यहाँ पे मोर देन 30,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, विच इज गुड इनफ कि इतने क्वेश्चन अगर तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो इट्स जस्ट मैसिव, राइट? तो मैं अभी तुम्हें इस साइड में देख सकते हो तुम लोग। सो यहाँ पे जैसे हम लोग देख सकते हैं बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, लेट्स गो फॉर द बायोलॉजी सेक्शन। तो ये जो है यहाँ पे प्रैक्टिस सेक्शन में तुम्हें पूरा क्वेश्चन बैंक मिलता है जो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, यहाँ पे मोर देन 30,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एंड बहुत सारे डिफरेंट जो एनसीईआरटी नए क्वेश्चन है वो भी हैं इसमें इन्वॉल्व। जो रिविजन सेक्शन है मैंने तुम्हें अभी एक्सप्लेन किया कि वो इनका जो एआई फीचर वो धीरे धीरे तुम्हारी एक एक मेमोरी को अनलॉक करता है। माई पर्सनल फेवरेट इज दिस एनपीसीएम, नाउ आई, ठीक है, लेट्स गो फॉर दिस एक्सक्रीटेड प्रोडक्शन एलिमिनेशन। नोट्स जो है इनके बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं कि डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है, कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, ये लोग एनसीईआरटी बेस्ड है ताकि तुम एग्जाम के 2 घंटे पहले रिवीजन करके रिवाइज करके तुम एग्जाम देने जा सकते हो, एंड यू वोंट मिस अ सिंगल फैक्ट।
यहाँ पे क्रॉसवर्ड है कि हम लोग जब होता नहीं बचपन में कि न्यूज़पेपर हम क्रॉसवर्ड सॉल्व करते थे, तो यहाँ पे तुम वो क्रॉसवर्ड सॉल्व करोगे तो तुम्हारे दिमाग में वो जो फैक्ट्स है वो बस जाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम इसे एज अ हेल्दी कॉम्पिटिशन अपने फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हो कि मैंने क्रॉसवर्ड इतने टाइम पे फिनिश किया तो तू कितने टाइम पे फिनिश करते, जल्दी देखते हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट इनका जो पॉडकास्ट है वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है कि एक मिनट मैं सुनाता हूँ आपको। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी। क्या होता है ना कभी कभी हम लोग टायर्ड हो जाते हैं कि ठीक है थोड़ा बहुत लेट जाते हैं, माइंड को रिलैक्स करते हैं, साइड में तुम पॉडकास्ट ऑन कर सकते हो कि ठीक है मैं लाइक रेस्ट करते वक्त भी कि मेरे को जो फैक्ट्स है वो पता चल रहे हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड मेरा पर्सनल फेवरेट है यहाँ पे मीम्स, लेट्स गो। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो जो अक्षय कुमार का फेमस मीम है उनको कैसे इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया। एंड किसको मीम्स पसंद नहीं होते हैं, राइट? तो ये तुम्हारे माइंड को भी रिलैक्स करेगा, इनफैक्ट हेल्प भी करेगा। सो यहाँ पे इसलिए मैं कह रहा था कि मेमोनी क्यों मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी को कुछ पर्सनल डिस्काउंट चाहिए होगा, जैसे लाइक मुझसे बहुत जन इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे, तो मैं उनसे ये कहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जाके तुम इनके जीमेल अकाउंट का लिंक मैं दे दे रहा हूँ, तुम इनसे जाके पर्सनली बात कर सकते हो रिगार्डिंग कुछ और अगर डिस्काउंट चाहिए होगा। एंड इनफैक्ट इफ यू वांट टू कंप्लीट एंटायर एनसीईआरटी ओनली एट ₹3,199, तो उनका भी इनके पास एक डिस्काउंट चल रहा है अभी करेंटली, तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, गो चेक इट आउट। ठीक है, मिस्टेक वाला पार्ट तो अपना कंप्लीट हो गया, राइट? नाउ व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स? मिस्टेक एनालाइज मैंने कर लिया, मिस्टेक एनालाइज करने के बाद मुझे लिखना भी है ना, तो मिस्टेक कॉपी में मैंने उसे नोट डाउन कर लिया। नाउ व्हाट अबाउट इट? अब क्या होता है ना, बहुत होगा, लेट्स जस्ट से अब वो जो दो बंदे बचे थे, ठीक है, उनमें से अब एक का इंप्रूव हो रहा है, दूसरे का इंप्रूव नहीं हो रहा है मार्क्स, ठीक है, उसका भी कॉन्स्टेंट अटक गया। व्हाई इज दैट सो? वो बंदा जो है अब उस मिस्टेक्स को बार बार रिवाइज नहीं कर रहा है, उसने मिस्टेक्स को एक बार लिख लिया था कि ठीक है, एक बार वो फिर से वो पेपर में क्वेश्चन आया उसने उसको ठीक कर दिया, बट फिर उसको एनालाइज नहीं कर रहा है कि उससे मिस्टेक हुई क्यों थी। एंड जो वो मिस्टेक कॉपी में उसने वो लिखा है क्वेश्चन, तो उसको एक बार एनालाइज तो करेगा ना, समझेगा कि कहां क्या मुझसे गलती हुई है, और बार बार रिवाइज करेगा कि मुझसे मिस्टेक बार बार ना हो, राइट? तो जो पहला वाला बंदा है वो उसको बार बार रिवाइज कर रहा है। कि मैं क्या करता था पर्सनली कि हर सैटरडे संडे मैं टाइम निकालता था रिवीजन के लिए, एंड इनफैक्ट जो मिस्टेक मुझसे इस वीक हुआ है, इस वीक में मैं हर वीक में एटलीस्ट ट्राई करता था दो टेस्ट दूं, तो उन दो टेस्ट में मुझसे जो भी मिस्टेक होते थे मैं उनको नोट डाउन कर लेता था, ओके सो ये मिस्टेक हुए थे सैटरडे संडे, अब मैं उन्हीं मिस्टेक्स को रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है, तो ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं एग्जाम दूं मुझे डिप्रेसिंग या फिर डीमोटिवेटेड फील ना हो। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज डीमोटिवेटेड फीलिंग। कि कभी कभार क्या करना है, कंसिस्टेंसी बोलना ईजी है, कंसिस्टेंट रहना उतना ईजी नहीं है, कि मैं किसी को लेक्चर दे सकता हूँ बट मैं खुद कंसिस्टेंट रहूं उतना वो ईजी है नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करता था ना, कि कभी कभार होता है कि तुम सैचुरेशन में पहुंच चुका, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, ठीक है, तो ये नहीं है कि बस वहां से उठ जाना है, 6-7 घंटे बर्बाद करती है, कुछ प्रोडक्टिव हुआ नहीं, बोरिंग लग रहा है, पुट ऑन योर हेडफोन्स, लिसन टू सम म्यूजिक एंड फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करो। उस टाइम पे मैं वही करता था कि इजी वाली न्यूमेरिकल जो मैं गाने सुनते सुनते वो सॉल्व करने की कोशिश करता था जल्दी जल्दी जल्दी, कि मुझसे कितने टाइम में हो रहे, वेल एंड गुड, जो नहीं होता था मैं उनको स्टार मार्क कर देता था कि ठीक है अभी मुझसे नहीं हुआ, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा माइंड सैचुरेटेड है, बट मुझे वो भी टेस्ट करना था कि अगर मेरे माइंड सैचुरेशन में मैं कितना फिजिक्स के क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज जब नीट का टाइम आएगा ना, मतलब जब तुम एग्जाम दोगे तब तुम्हारा ब्रेन वैसे ही बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, एक तो एड्रेनलिन रश रहेगा बहुत ज्यादा, ब्रेन एक्टिव भी हो जाएगा, तो उस टाइम पे सैचुरेशन आएगा नहीं, तुम बाय डिफॉल्ट समझ सकते हो तुम कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे उस टाइम पे एंड कितने कम टाइम पे, राइट? तो सेम यू हैव टू डू विद केमिस्ट्री, बायो, हाँ बायो ऐसा है कि तुम सैचुरेशन के वक्त बायो नहीं पढ़ सकते अगर तुम्हारा माइंड सैचुरेटेड हो चुका है। तो अपने आपको पहला तो एक चीज मैं कहूंगा जो मिस्टेक है वो करना है, सेकंड जो है डीमोटिवेटेड फील नहीं होना और कंसिस्टेंट रहना, कंसिस्टेंट इन द सेंस कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो भी पढ़ने बैठना है, कुछ ना कुछ तो दिमाग में आएगा, राइट? ऐसा नहीं कि पूरा ही हट जाना है। और थर्ड थिंग यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो अपने मन को है ना भटकाना नहीं है, कि ठीक है मैं YouTube में कोई वीडियो देखने गया, वहां से कुछ ऐड है उसके थ्रू से कुछ और चला गया एंड वहां से मैं दूसरे कुछ वीडियोस वगैरह देखने लग गया जो पढ़ाई रिलेटेड नहीं है, दैट विल ऑब्वियसली वेस्ट योर टाइम। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा वीडियो एंड से पहले, कि तुम जिस टाइम पे अपना टाइम वेस्ट करो ना, उस टाइम पे कोई और पढ़ रहा है तो तुम्हारा वो गवर्नमेंट कॉलेज का सीट खा जाएगा, तो कीप दैट इन माइंड, इसी चीज को दिमाग में लेके चलो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, टेक केयर। एंड ये जो तीन चीजें मैंने बताई है प्लीज इनको दिमाग में रखो, मिस आउट मत करो इन चीजों को, इनको मिस आउट करोगे तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है? तो टेक केयर, गुड बाय एंड कीप स्टडी।